हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय गार सस्ती विकासपुरी। आज की जो हमारी ये नई वीडियो है, अगेन ऑन एंड्रॉयड प्लेयर। जी हाँ, क्या करें, एंड्रॉयड प्लेयर में रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ नया अपग्रेडेशन आता है, कोई ना कोई नया ब्रांड आता है, कुछ ना कुछ अपने जो पुराने ब्रांड है वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। और एंड्रॉयड का जो ट्रेंड मार्केट में ज़बरदस्त चल रखा है, एंड्रॉयड की एंड्रॉयड है चारों तरफ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसा ही कुछ नया आता है, कुछ भी, कोई नया अपग्रेडेशन हो, कोई नया ब्रांड हो, कोई नया फीचर हो, कुछ भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आज का जो हमारा एंड्रॉयड है वो है हमारा एक स्पेशल एंड्रॉयड है, वो एंड्रॉयड जो हमारा 10.33 इंच में फ्लोटिंग डिस्प्ले में। जी हाँ, फ्लोटिंग डिस्प्ले भी आजकल काफ़ी चल रहा है मार्केट में, चल तो खैर काफ़ी टाइम से रहा है, बट जो हमारा फ्लोटिंग डिस्प्ले, सबसे पहले तो आपको उसका ब्रांड बताता हूँ। अभी तक मैंने उस ब्रांड की कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, तो ब्रांड हम काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं, 2-3 साल से बेच रहे हैं, बस ठीक है। उसमें अब कुछ एक नई स्पेशल कुछ अलग चीज़ें आई हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, और मतलब उसके लिए अंदर से मतलब एक हुआ कि फील आई कि हाँ भाई, अब इस ब्रांड को जो है पूरा फुल फ्लैश तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करके बेचना बनता है, तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये है हमारा एम ट्रैक्स ब्रांड। जी हाँ, 3-4 साल पुराना ब्रांड हो चुका है, 3-4 साल पहले मार्केट में आया, और 3-4 साल से हम इसके प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट हैं, रीजनेबल इकोनॉमिकल रेंज का इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सारे काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, एंड्रॉयड्स आते हैं, इसके स्पीकर्स आते हैं, इसके कैमराज आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ हम बेच रहे हैं। बट अब जो इस एंड्रॉयड में खास स्पेशल चीज़ क्या आई है, इसमें जो हमारा एंड्रॉयड में जो 10.33 इंच में फ्लोटिंग डिस्प्ले, मेनली मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो 10.33 फ्लोटिंग डिस्प्ले, खैर अब इसमें नया कुछ नहीं है, 10.33 फ्लोटिंग इसमें काफ़ी टाइम से आ रहा है, काफ़ी सारे ब्रांड्स में आ रहा है, काफ़ी मतलब टाइम से चल रहा है। बट जो हमारा फ्लोटिंग डिस्प्ले वाला ब्रांड है, जो हमारा फ्लोटिंग डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड है, वो मार्केट में अवेलेबल किसी भी एंड्रॉयड से बिल्कुल अलग है, और उसके 3 रीजंस हैं। वो 3 रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसकी प्राइजिंग, अभी मैं इसका प्राइजिंग टैग बताता हूँ मैं आपको, जो हमने इस वीडियो का हमारा एक टैगलाइन होगी, जो प्राइज होगा, मतलब जो हमारा 10 फ्लोटिंग डिस्प्ले 10.33 एंड्रॉयड अंडर द बजट रेंज ऑफ 10,000। जी हाँ, मतलब जनून में 10,000 के बजट के रेंज के अंदर का एंड्रॉयड है, और ऐसा नहीं कि सस्ता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक सस्ती चीज़ आई है या एक सस्ती चीज़ है तो भाई ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सस्ते बजट के अंदर, बिल्कुल इकोनॉमिकल रेंज के अंदर मार्केट में अवेलेबल किसी भी ब्रांड को टक्कर देता है, बल्कि उससे 21 ही होगा, 19 नहीं होगा इस ब्रांड में। जो इन्होंने ये जो स्पेशल चीज़ निकाली, इसकी खास बात यह है, सबसे पहले मैंने बताया ना आपका, जो सबसे पहले हमारा जो है इसका प्राइस टैग जो है 10,000 के बजट में, मेरे ख्याल से मार्केट में किसी भी कंपनी का जो फ्लोटिंग डिस्प्ले है 15,000 से कम नहीं है, सब 15+ में है। 2-3 इंटरनेशनल ब्रांड चल रहे हैं, उनके काफ़ी बिक रहे हैं मार्केट में काफ़ी, वो तो मेरे ख्याल से 20,000, मेरे ख्याल से क्या हम भी बेचते हैं 20,000+ ही हैं, ठीक है, वो ब्रांड भी अच्छे हैं, अच्छा चल रहा है, बट ठीक है, हर किसी का बजट नहीं होता कि 20-22-24-25 हज़ार का एंड्रॉयड लगाया जाए। इकोनॉमिकल रेंज वाले भी हमारे कस्टमर हैं, जो अपने ठीक है इकोनॉमिकल रेंज में उसी सेम कैटेगरी की चीज़, सेम फीचर्स वाली चीज़ चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। 10,000 की बजट रेंज के अंदर हमारा एंड्रॉयड है, पहला फीचर इसका ये हो गया। दूसरा, जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फीचर है, वो है जो हमारा आजकल, जैसे हमने अपनी काउंटर पे भी जो एप्पल का पे एंड्रॉयड ऑटो, जो सबसे जरूरी चीज़ होती है एंड्रॉयड के अंदर, जो हर बंदा यही पूछता है कि एप्पल का पे एंड्रॉयड ऑटो है, और है तो लाइसेंस्ड है, सर्टिफाइड है या नॉन सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी ऐप थ्रू के थ्रू है। जी हाँ, इस एंड्रॉयड के अंदर जो हमारा ये 10,000 के बजट रेंज के अंदर है, इसके अंदर एप्पल कार पे और एंड्रॉयड ऑटो भी लाइसेंस्ड है, कोई थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया एंड डायरेक्ट अटैचमेंट, मतलब एक होता है ना बिल्कुल प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं, लाइसेंस्ड सर्टिफाइड, सिर्फ हमारा जो पाइनियर में आता है, बाकी जितने भी हमारे, जैसे हम ओंक्यो का हमने पीछे आपके लोगों से शेयर किया, इनेवी का शेयर किया, और धीरे धीरे हमारी रेंज बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हम अपने काउंटर पे सारे लाइसेंस्ड वाले स्टार्ट कर रहे हैं, कि ठीक है अब थर्ड पार्टी ऐड वाला सिस्टम पुराना हो गया, तो कोशिश करेंगे जो जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स में लाइसेंस्ड वाले आ रहे हैं तो वही शुरू करें। तो इसमें जो है प्रॉपर ऐप, जो अपने कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की प्रॉपर ऐप है, और उसी ऐप जो लाइसेंस्ड ऐप है, जिसके थ्रू आपके जो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएट ब्लूटूथ कनेक्ट होते ही कनेक्शन है, वो भी मैं आपको डेमो में चेक भी कराऊंगा, तो आप खुद देखना। तो ये इसमें जो है हमारा, वही मतलब फिर दोबारा से बताता हूँ, पहला इसका फीचर जो अंडर द बजट रेंज ऑफ 10,000, दूसरा फीचर लाइसेंस्ड एप्पल का पे एंड्रॉयड ऑटो, जो सबसे जरूरी और सबसे आजकल मतलब ज़्यादा फीचर जो सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं, और थर्ड चीज़ जो इसकी सबसे बढ़िया चीज़ है, आउटपुट इसके अंदर एंड्रॉयड का वर्जन 11 है, और इसकी आउटपुट जो है विद DSP वाला, वो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल जो 15-20-25 हज़ार तक की रेंज के एंड्रॉयड है उनसे बेटर आउटपुट है, साउंड क्वालिटी बेहतरीन, जो अपना एप्पल का पे एंड्रॉयड ऑटो लाइसेंस्ड, और प्राइसिंग बहुत रीजनेबल, बहुत इकोनॉमिकल।
तो ये तीनों फीचर्स हैं। अब इस फीचर्स को हम मैं आपको अपनी डेमो में चला के चेक करा के दिखाता हूँ कि आपको पता लगे कि हाँ भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो चलते हैं अपनी डेमो में, आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए हमने डेमो में लगा दिया। ये हमारे मेन इलेक्ट्रीशियन साहब हैं, जो हमारे शॉप के मेन इलेक्ट्रीशियन हैं, इन्होंने अपना सेट चालू करके दिखा दिया। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से कहाँ से। ये देखिए पहले तो मैं सबसे पहले जो हमारा इसका आइकन दिखाता हूँ। देखिए कारप्ले का अलग से आइकन है और जो हमारा एंड्रॉयड ऑटो का अलग से आइकन है। कोई थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आइकन के थ्रू। अभी मैं जैसे कारप्ले पे क्लिक किया और मेरा अपना कारप्ले वाला अपना पूरा कारप्ले ओपन हो गया। ये देखिए सारा हमारा पूरा प्रॉपर ये हो गया। टच क्वालिटी एकदम बेहतरीन क्वालिटी की टच क्वालिटी देख सकते हैं। मतलब जेन्युइन में एक बहुत मतलब इस रेंज में एक चीज़ आई है। अभी तो हम भी काफ़ी टाइम हैरान रहे भाई इस रेंज में इतनी बढ़िया चीज़ कैसे आ सकती है। बट वो आपके सामने आप लोगों के सामने, और हमने काफ़ी बेच दिए, काफ़ी यूज़ कर लिए हैं, काफ़ी चेक कर लिए हैं, लोगों के रिव्यूज़ ले लिए हैं फर्स्ट क्लास। अब इसके आपको साउंड क्वालिटी भी चेक कराता हूँ। ये मेरा डीएसपी इनबिल्ट, डीएसपी हमारे इसके अंदर। मतलब किसी भी बिग बैनर ब्रांड को साउंड क्वालिटी अपनी फीचर्स क्वालिटी से टक्कर देता है और टक्कर क्या देना उससे ऊपर ही है। मतलब जेन्युइन में बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का एंड्रॉइड। दोबारा से एक बार मैं इसके आपको फीचर बता देता हूँ। प्राइस रेंज हमारा 10,000 बजट रेंज के अंदर, 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी के अंदर अभी हमारा है। मतलब 2/32 इतना ज़बरदस्त है। तो अभी 4/64 तो अभी इन पाइपलाइन है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 20-25 दिन महीना लगेगा। धीरे धीरे आ रहे हैं इसके सारे मॉडल्स। तो ये हमारा अभी, खैर इसमें हमारा यूनिवर्सल 9 इंच में भी आ चुका है, वो और भी बहुत काफ़ी रीजनेबल रेंज का। पर अभी ठीक है, हमारा फोकस फ्लोटिंग डिस्प्ले की, चलो 9 इंच में तो मार्केट में फिर बड़ी सारी रेंज बोला, पर फ्लोटिंग में इस बजट रेंज में, इकोनॉमिकल रेंज में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है जो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी विद DSP विद लाइसेंस्ड एप्पल का एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो 10.33 डिस्प्ले, फ्लोटिंग डिस्प्ले, 1 साल की हमारी इसकी गारंटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टीरियो है। तो बस अगर आप भी अपनी गाड़ी में एक अच्छी क्वालिटी का फ्लोटिंग डिस्प्ले, एक इकोनॉमिकल रेंज का फ्लोटिंग डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए अजय कार एक्सेसरी। और यही है हमारी आज की वीडियो का हीरो, हमारा एमट्रेक्स कंपनी का 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी में फ्लोटिंग डिस्प्ले एंड्रॉइड, जो कि है 10,000 के बजट रेंज के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ, नए फीचर्स के साथ। गुड बाय दोस्तों।